नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आप स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, फिर आज हमें नए टॉपिक लिया है जो कोर्स आपका चल रहा है एडीसीए डीसीए ट्रिपल सी बीसीसी कोर्सेस रिलेटेड है। जो टॉपिक है, जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है फंडामेंटल पे चल रहा है। फंडामेंटल में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें प्रोसेसिंग से रिलेटेड काफी सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है रॉम। रॉम मेमोरी क्या होता है, इसके पहले मैंने रैम के बारे में पढ़ाया था। रैम मेमोरी क्या होता है, आज हम मानेंगे रॉम के बारे में। रैम में मैंने बताया था कि रैम मेमोरी कंप्यूटर में स्टोर डाटा केवल कंप्यूटर के ऑन होने तक ही अवेलेबल रहता है, ऑफ होने में डाटा यही चलता है। लेकिन रॉम में ये कंप्यूटर के ऑफ तथा ऑन दोनों कंडीशन में डेटा को स्टोर करता है, यानी स्टोर रहता है। ये रॉम मेमोरी जैसे जैसे डिफिनेशन लिखिएगा, रीड ओनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। द डाटा स्टोर इन रॉम कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकल मॉडिफाइड आफ्टर देयर मैन्युफैक्चर ऑफ द मेमोरी डिवाइसेस। यानी इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर के ऑन तथा ऑफ दोनों कंडीशन में अवेलेबल होते हैं। पहले के समय जब हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव नहीं था, पेन ड्राइव नहीं था, डीवीडी नहीं था, सीडी ड्राइव नहीं था, तो डेटा का स्टोरेज बैकअप कहाँ रखा जाता था? तो पहले के समय हमारा जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड था, उसी बोर्ड में जो चिप लगा होता है जिसका नाम है रॉम मेमोरी, उसी में ये रॉम मेमोरी डाटा स्टोर होता था। जो पहले हम इसी में अगर हमारे कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाते थे तो उसकी जो इंटरनल डेटा होता है उसमें हम सेव करके रख सकते थे, जिसको हम दोबारा वहां से रिस्टोर करते थे। तो रॉम मेमोरी जैसे ये देखिएगा, ये आपका मदरबोर्ड है, देख रहे हैं मदरबोर्ड, और इसमें ये जो चिप आपको सामने यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपका रॉम मेमोरी का चिप होता है। इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर के ऑफ तथा ऑन दोनों कंडीशन में सुरक्षित रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो आज हम मेमोरी देख लें कि मेमोरी क्या होता है। इस मेमोरी में तीन भाग होते हैं, इसका नाम है प्रॉम, ईप्रॉम और डबल ईप्रॉम। यानी रॉम के तीन प्रभाग है, प्रॉम, ई प्रॉम और डबल ई प्रॉम। तो प्रॉम का मतलब क्या है, इसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम का मतलब होता है जब ये प्रोग्राम, यानी जो रॉम होता है ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है, इसके साथ जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसको कभी भी उसमें से इरेज नहीं किया जा सकता है, इसका नाम है प्रॉम। सेकेंड जो इसमें होता है जिसका नाम है ई प्रॉम, एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर के साथ, लेकिन इसको इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा लाइट के माध्यम से, इस चिप में से प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है। थर्ड होता है जिसका नाम है डबल ई प्रोग्राम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे आमतौर पर आज देखा जाता है कि कोई भी पुराना वर्जन है, अब नया वर्जन आ गया तो पुराने वर्जन को नए वर्जन में अपडेट किया जा सके, उसी तरीके से हम जैसे इसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी सर्किट को वहां से हटाने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्किट में जो भी प्रोग्राम होगा वो ऑटोमेटिक उस प्रोग्राम को अपडेट की जा सकती है। तो स्टूडेंट, ये आपका डिफिनेशन ऑफ रॉम मेमोरी। आशा है ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनके कोर्सेज में या ट्रिपल सी एग्जामिनेशन या किसी प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत काम आएगा ये सब चीज़ें। दूसरा चीज, अगर हमारा वीडियो आपको समझ आता है इसको सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और हर वीडियो पाने के लिए एक बार बेल आइकन जरूर दबाइए, कोई वीडियो हम आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के नमस्कार, धन्यवाद।